हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सब सो के उठ चुके हैं और परी यहाँ पे कर रही थी अपने स्कूल का काम। सुबह सुबह पूरा एक पन्ना करा है परी ने आज। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कर लिया है, कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और परी ने एक पन्ना काम भी कर लिया है यहाँ पे, और दीपू भी सो के उठ गया है यहाँ पे। और अब मैं करूँगी घर का काम। तो मैंने सब्जी बना के रख लिया है सुबह, क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे तो सब्जी बना के रख लिया है, आलू गोभी मटर। तो मैंने सब्जी बना के रख लिया, मैं दिखाती हूँ आपको रसोई में चल के। अरे दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रसोई में आ चुकी थी और मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी, सुबह की चाय बना के रख ली थी और सब्जी भी बना के रख दी थी। और साथ साथ मैं सब काम भी कर देती हूँ और खाना भी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे 2 काम मेरे हो चुके थे, बाकी काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए। तो ये सुबह का काम था जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो यहाँ सब्जी बन चुकी थी सुबह मॉर्निंग की। और ये देखिए मेरे ग्रीन प्लांट कितने अच्छे हो रखे हैं, सारे के सारे बहुत बढ़िया हो रखे हैं सारे के सारे। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो मैं रसोई का काम करके आ गई थी मैं कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे का हुलिया भी थोड़ा ठीक करना था, क्योंकि थोड़ा सा बेड शीट वगैरह बिगड़ी हुई होती है तो उसको भी सही करना था। वो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया, तकिया वगैरह भी उठा के लगा दिए। और उसके बाद मैं सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर दूँगी बढ़िया तरीके से। और क्या कहते हैं, काफ़ी सारा काम हो जाता है सुबह सुबह करने के लिए। तो यहाँ मैं वही कर रही थी सुबह सुबह सारा काम, झाड़ू वगैरह। और क्या कहते हैं, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े थे जो मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि आज है थर्सडे तो मैं आज तो लगाऊंगी नहीं, कल लगाऊंगी। तो इसीलिए ये सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो कल लगाएंगे तो कब कल देखेंगे। तो और इसका कवर मैंने ऊपर से ऐसे ही लगा दिया है, वरना तो इसका पूरा कवर है, ढक जाती है पूरी वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह भी साफ़ करनी थी, तो उसका कपड़ा ही मैं साफ़ कर देती हूँ। टेबल का भी कपड़ा साफ़ करके बिछा देती हूँ बढ़िया तरीके से, और उसके बाद मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स, घर के काम कभी कम ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगाना स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी झाड़ू, पहले कमरा साफ़ कर लेती हूँ। बहुत सारी डस्टिंग हो जाती है करने के लिए, साफ़ करने के लिए, क्योंकि बाहर का कमरा पड़ जाता है तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी भी आ जाती है हवा के साथ। तो यहाँ पे परी खेल रही थी और मैंने सारा कूड़ा एक पन्नी में भर दिया और यहीं पे मैं टांग देती हूँ। जब कूड़े की गाड़ी आती है तो मैं उसे फेंक देती हूँ। तो क्योंकि मैं डस्टबिन वगैरह यूज़ नहीं करती, पॉलिथीन में ही रख देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में ज़्यादा दिन का कूड़ा हो जाता है तो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं डस्टबिन यूज़ नहीं करती, मैं पन्नी में ही रख देती हूँ। तो और पन्नी में उठा के फेंक देती हूँ जब कूड़े की गाड़ी आती है। तो यहाँ देखिए सारा काम थोड़ा सा रसोई का ही फैला पड़ता है चाय नाश्ता करने के बाद, तो वो भी साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कमरे की साफ़ सफाई सारी कर दी, गद्दा भी झाड़ दिया, सोफा वगैरह भी साफ़ कर दिया, सारा का सारा साफ़ कर दिया। और अब मैं बनाऊंगी रसोई में जाके रोटियाँ, क्योंकि 1 बज गया है तो बच्चों को भी भूख लगी है और मुझे भी लगी है। तो मैं रसोई में रोटी बनाऊंगी और आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पराठे बनके रेडी हो चुके थे। मैंने पराठे बनाए थे और सूखी सब्जी थी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, तो उसके साथ मैंने बनाए यहाँ पे पराठे गरम गरम, जो बच्चों को काफ़ी पसंद हैं। तो यहाँ पे पराठे के साथ मैंने प्लेट लगा दी है दक्षु की। दक्षु अपनी प्लेट लेके जाएगा अभी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी तो खाना खाना था, तो मैंने उसकी प्लेट लगा दी, 2 पराठे रख दिए, तो दक्षु ले जाएगा अपने पराठे। तो यहाँ पे अब हो चुकी थी शाम, ये शाम की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं थैले में से निकाल रही थी सामान, और शाम की रोटी मुझे बनानी थी यहाँ पे, तो मैं वो भी बना देती हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका था। शाम की रोटी बना देती हूँ। सब्ज़ी हम लोग बाहर से लेकर आ गए थे, तो आज दाल मखनी हम बाहर की लेकर आए थे। तो यहाँ पे रोटी भी तैयार है, सब्ज़ी भी तैयार है, यानी कि दाल मखनी जो बाहर से लेके आए थे वो तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ मैं धो देती हूँ थोड़े से बर्तन, थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो क्लीन हो चुकी है रसोई वगैरह, सब साफ़ हो चुका है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग?